बड़ा कारण यही है। और लालचंद्र जिस बात की शुरुआत मैंने की थी उसी को हम दोबारा मैं उस बात को बोलना चाहूंगा कि क्षेत्रीय पार्टियां क्षेत्रीय दलों के अंदर जो पूरे देश के अंदर तो वंशवाद की राजनीति दिखाई देती है वो तेलंगाना के अंदर भी रही, जो भ्रष्टाचार के जो बड़े बड़े मामले आते हैं वो तेलंगाना के अंदर भी रहे। और शायद इसी वजह से हम जानते हैं कि क्षेत्रीय पार्टियों का उदय जितनी तेजी से होता है क्षेत्रीय पार्टियों का ग्राफ भी उतनी तेजी से ही गिरता है। राष्ट्रीय पार्टियों के अंदर जो एक ताकत होती है देश को आगे बढ़ाने की, राज्यों को आगे बढ़ाने की, ये निश्चित तौर पर अब दक्षिण भारत की जो राजनीति है, दक्षिण भारत की जो जनता है वो इस बात को समझ रही है। बिल्कुल तीसरे नंबर पर आना, पहले नंबर की कोशिश करना, कांग्रेस को भी निश्चित तौर पर तेलंगाना के अंदर बढ़त मिली है। मुख्य मुकाबला इस बार हो सकता है कि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच में ही हो, कौन कितना आगे बढ़ेगा ये देखने वाली बात जरूर है। और दूसरी सबसे बड़ी बात यही है कि क्षेत्रीय पार्टियों से आखिर जनता का इतनी जल्दी मोह क्यों भंग हो जाता है, ये एक सवाल राजनीति के अंदर एक बड़ा सवाल है। अब ये तेलंगाना के अंदर भी हम चाहे इसकी बात करें, तमिलनाडु के अंदर चाहे हम इसकी बात करें, क्यों दशकों तक हमने देखा, उत्तर प्रदेश के अंदर हमने दशकों तक देखा कि किस तरीके से, बिहार के अंदर हमने दशकों तक देखा किस तरीके से वंशवाद की राजनीति ने राज्य को पीछे किया, वहां के लोगों को पीछे किया। तो अब आने वाली जो पीढ़ी है, आज की पीढ़ी है, वो बहुत तेजी से बदलाव चाहती है, अपने इलाके का विकास चाहती है। आज जब जनता अपना वोट देने के लिए अपने घर से निकलती है तो वो कई बार सिर्फ सोचती नहीं है बल्कि पीछे जाकर इस बात को देखती है, आकलन करती है कि मेरे लिए, मेरे इलाके के लिए किस पार्टी ने क्या कुछ काम किया। और पिछले 10 साल से केंद्र की राजनीति में, देश की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी ने, मोदी सरकार ने जिस तरीके से काम किया है वो तस्वीरें आकर्षित करती हैं, प्रभावित करती हैं दूसरे राज्यों के उन युवाओं को जो अपने आप को बढ़ते हुए देखना चाहते हैं, जो अपने इलाके को बढ़ते हुए देखना चाहते हैं। तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से अपनी एक पैठ अपने कार्यों से, अपने कामों से दक्षिण भारत के अंदर बनाई है पिछले 10 वर्षों में, उसी का रूप और स्वरूप इन तस्वीरों के माध्यम से, सड़कों पर उमड़ती हुई इस जनता के माध्यम से लालचंद्र आप देख सकते हैं। और ये पहला रोड शो नहीं है, आप जिस इलाके के अंदर प्रधानमंत्री जाते हैं, दक्षिण भारत हो उत्तर भारत हो, कोशिश करते हैं कि रोड शो के माध्यम से एक जनता के बीच में सीधा कनेक्शन हो, एक कनेक्ट हो, संवाद हो। और हमने तो कई बार देखा है कि प्रधानमंत्री रोड शो में भी कई लोगों से बातचीत करते हुए नजर आते हैं, एक एक व्यक्ति को अभिवादन करना, हाथ हिलाना, युवाओं का जोश जो है वो देखने देखते देखते ही बनता है। तो ये तस्वीरें बहुत कुछ प्रदर्शित करती हैं, बहुत कुछ बताती हैं। ये वो तस्वीरें नहीं हैं जो सिर्फ रोड शो के माध्यम से जनता का सिर्फ सड़कों पर आना, नहीं, सबसे बड़ी बात है कि इन रोड शो के माध्यम से अपनी एक भावनाओं का प्रदर्शन यहाँ की जनता प्रदर्शित करते हुए नजर आती है अपने प्रिय नेता के प्रति। और ये हमने देखा है कि जब प्रधानमंत्री चले जाते हैं उसके बावजूद भी घंटों तक सड़कों पर डांस करना, नृत्य करना, अपनी लोक परंपरा को जो है उसको प्रदर्शित करना, एक अनुभव फील करना कि आज उन्होंने अपने देश के प्रधानमंत्री के दर्शन किए, घंटों से इंतजार, घंटों तक उसके बावजूद भी डटे रहना, ये प्रधानमंत्री की लोकप्रियता है उनके कार्यों की वजह से, उनकी नीति और नियत की वजह से। लालचंद बिल्कुल वो दिखाई पड़ता है जिस तरह से कि वो लोगों के साथ कनेक्ट होते हैं, लोग जिस तरह उनके साथ कनेक्ट होते हैं, ये सब कुछ दिखाई पड़ता है इस रोड शो में। अनुज अगर मैं बात करूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी हैं और वहां पर जो उनके लोकसभा के बीजेपी के उम्मीदवार हैं एटाला राजेंद्र वो भी हैं। एटाला राजेंद्र की जी बाकी जो उम्मीदवार हैं वो तो बिल्कुल प्रधानमंत्री की जीत पे जो हाँ। है लगातार उनके साथ चल रहे हैं जी। मैं उन्हीं के बारे में जानना चाह रहा था कि उनकी कुछ बैकग्राउंड, उनका कुछ पृष्ठभूमि अगर आपको आपकी जानकारी में हो तो वो हमें शेयर कीजिए। देखिए लंबे समय से संगठन से जुड़े रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के लिए उन्होंने अपना जो है कई दशकों से अपना जो जीवन है भारतीय जनता पार्टी को समर्पित यहाँ पर किया है उनके कार्यों की वजह से, खास तौर से जो इनका एक सामाजिक जो उनका लोगों से जुड़ाव है उसकी वजह से उनकी एक काफी बड़ी लोकप्रियता इस इलाके के अंदर है। कई बार जो है वो यहाँ पर